वेलकम टू स्कूल टाइम आज हम रियल एनालिसिस के टॉपिक लिमिट पॉइंट और क्लोज सेट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम लिमिट पॉइंट के बारे में जानते हैं लेट ए सबसेट ऑफ आर ए रियल नंबर एल इज कोल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस इफ़ एवरी नेबरहुड ऑफ एल एन कंटेंट नंबर ऑफ मेम्बर ऑफ एस अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं जैसे हमें दिया हुआ है जीरो और वन क्लोज इंटरवल तो इसके जीरो और वन दोनों इसके लिमिट पॉइंट होंगे नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑफ आर इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ आर मतलब आर का प्रत्येक बिंदु उसका लिमिट पॉइंट होता है अब बात करते हैं नेक्स्ट एक थ्योरम की थ्योरम है ए फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट मतलब किसी फाइनाइट सेट का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता है इसका प्रूफ देखते हैं जैसे लेट एस इक्वल टू एक्स वन एक्स टू एक्स एन बी ए फाइनाइट सेट ऑफ एन एलिमेंट्स इसमें एन एलिमेंट्स हैं इसको हम रियल लाइन पे से ड्रॉ करते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन माइनस वन एक्स एन देन देट डज नाट एक्जिस्ट एफ साइल एन ग्रेटर देन जीरो एक्स वन माइनस एफ साइलन एक्स वन प्लस एफ साइलन कंटेन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एस

सिमिलरली रिमेनिंग एलिमेंट एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन आर नोट लिमिट पॉइंट ऑफ एस सो हम कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट मतलब फाइनाइट सेट का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता यहाँ पर हमने फाइनाइट सेट एस माना था तो एस हैज़ नो लिमिट पॉइंट अब हम कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं पहला रिजल्ट है लिमिट पॉइंट ऑफ एस में नोट बिलोंग टू एस लो एस का लिमिट पॉइंट एस में बिलोंग करें ये जरूरी नहीं है जैसे एग्जांपल ज़ीरो वन ओपन इंटरवल है ज़ीरो एंड वन आर लिमिट पॉइंट बट ज़ीरो वन एस में कंटेन नहीं होते नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर फाइव लिमिट पॉइंट्स नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ ओपन इंटरवल ए टू बी इज क्लोज इंटरवल ए टू बी ओपन इंटरवल का लिमिट पॉइंट क्लोज इंटरवल होता है नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट एस इज इक्वल्स टू वन अपॉन एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो इसका लिमिट पॉइंट होगा जीरो बट जीरो नेचुरल नंबर में कंटेन नहीं होता है नेक्स्ट है एस इज इक्वल टू वन बाई टू टू बाई थ्री थ्री बाई फोर एन बाई एन प्लस वन यहाँ पे हम लिमिट एन टेंस तो इन लगाते हैं तो हमें लिमिट पॉइंट प्राप्त होता है वन तो वन इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ एस नेक्स्ट बात करते हैं हम डेराइव्ड सेट की तो डेराइव्ड सेट की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज़ कॉल्ड डेराइव्ड सेट अब एग्जाम्पल देखते हैं जैसे एस डेस बराबर जीरो और वन ओपन इंटरवल का डेस तो इसका डेरावि सेट होगा क्लोज इंटरवल जीरो वन जैसे एंड डेज इक्वल टू फाइव जेड डेज इक्वल टू फाइव फाइव डेज इक्वल टू फाइव तो नेचुरल नंबर इंटीजर इन सब का डेरावि सेट फाइव होता है जैसे ओपन इंटरवल ए कोमा बी का डेराइव सेट क्लोज इंटरवल ए कोमा बी होता है नेक्स्ट फोर्थ है वन अपॉन एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का डेराइव सेट होता है जीरो नेक्स्ट है क्यू डेस का डेराइव सेट होता है रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोजर ऑफ ए सेट तो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड इस यूनियन ही क्लोजर होता है किसी सेट का जैसे ए यूनियन ए डेस इज कोल्ड द क्लोजर ऑफ द सेट ए एंड डिनोटेड बाई ए बार मतलब इसको ए बार से डिनोट करते हैं और ए और ए डे इसका यूनियन होता है अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल जीरो वन दैन ए डेस इसका होता है क्लोज इंटरवल जीरो वन इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यह आएगा जीरो वन का क्लोज इंटरवल नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल है ए इज़ इक्वल टू वन अपॉन एन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन इसका डेराइव सेट होता है जीरो तो ए बार होगा ए यूनियन एडेस वन अपॉन एन यूनियन जीरो नेक्स्ट हर एग्जाम्पल है ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन एडेस इसका डराइव सेट फाइव होगा पीछे हमने अभी देखा है देन क्लोजर उसका होगा ए यूनियन एडेस इक्वल टू एन यूनियन फाइव और एन और फाई का एनो ये यूनियन लेंगे तो एन होगा नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट की द पॉइंट ऑफ ए सेट विच आर नोट नोट लिमिट पॉइंट्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड पॉइंट एग्जांपल एवरी पॉइंट ऑफ फाइनाइट सेट इज आइसोलेटेड पॉइंट नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज सेट की इफ़ एस इज सबसेट ऑफ आर इफ ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ एस बिलोंग टू एस देन एस इज कोल्ड ए क्लोज सेट इसका मतलब एस अगर क्लोज सेट होगा तो एस डेस एस का सबसेट होगा अब हम कुछ क्लोज सेट के एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज सेट मतलब प्रत्येक फाइनाइट सेट क्लोज सेट होता है फाइव इज क्लोज सेट क्यू इज नॉट क्लोज सेट बिकॉज क्यू का डराइव सेट होता है आर और जो कि Q का सबसेट नहीं होता सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर आर कोल्ड आर क्लोज सेट नेक्स्ट हम एक थ्योरम की बात करते हैं थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ एन आरबिट्रेरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज आल्सो ए क्लोज सेट इसके लिए हम लेट करते हैं एस एन इक्वल टू एन इक्वल टू नेचुरल नंबर बी ए सेट ऑफ क्लोज सेट एस इज़ इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एसन सपोज एल्फा इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस मानते हैं कि अल्फ़ा इसका लिमिट पॉइंट है देन अल्फा इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ईच एसन एंड गिवन देट ईच एसन इज क्लोज हेट मतलब इसमें हमने माना है कि अल्फ़ा लिमिट पॉइंट है तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर अल्फा लिमिट पॉइंट है प्रत्येक एसन का तो ऐसन क्लोज हेट होगा So alpha belongs to Sn for all n belong to natural number and alpha also belongs to intersection n belongs to natural number Sn then alpha belongs to S. So S is a closed set.